तो गाइस देखो अभी जा रहे हैं मंदिर। एक्चुअली सुबह से बारिश ही नहीं रुक रही है और इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रखी है ना, और रुक रुक के हो ही जा रही है तेज़ तेज़। और जब हम घर से निकले थे तब बारिश नहीं थी, अभी बारिश एकदम से हो गई। और उसे चलो छाता लिया हुआ था, और पानी देखो किस तरह से बह रहा है रोड पे। और तो बहुत तेज़ बारिश है। हाँ तो आज वो लास्ट श्राद्ध मतलब अमावस्या भी है ना, तो आज मंदिर में जाके पंडित जी को वस्त्र और थोड़ा सा दाल वाल और थोड़ी दक्षिणा दे आते हैं, और अब नराते शुरू हो जाएंगे। तो बारिश देखो कितनी ज़बरदस्त हो रखी है और हो रही है। ये देखो पानी देखो कैसे जा रहा है साइड से, ये देखो। और मंदिर हवा भी बहुत तेज़ चल रही है ना बच्चों, हवा तेज़ चल रही है ना, छाते उड़े छतरी भी उड़ रही हवा से, तो उल्टा ही हो जाएगा छाता। तो चलो मेरी छतरी थोड़ी टूटी हुई है ना, तो ये एकदम से उल्टा हो जा रहा है, इसको पकड़ के रखना होगा। देखो गाड़ी वाला छीटा मार के चला गया, और मेरी पैंट भीग गई यार, क्या यार? मेरे कपड़े गंदे करके चला गया। तो चलो जी मंदिर आ गया, ये देखो पुष्पा के भी कपड़े गिले हो गए, और ये धनास का मंदिर आ गया हमारा। चलते हैं, चलो जय माता दी। तो चलो जी अब थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, नंगे पैर हैं और नीचे मार वाला कहीं फिसल फिसल ना जाए, आराम से चलियो। तो चलो गाइस पहले कर लेते हैं पूजा पाठ, फिर बनाऊंगा ब्लॉग है ना। तो गाइस चलो जी पंडित जी को दे दिया है जो देना था सामान, ठीक है, तो हमारे पितरों के नाम से दे दिया है। और इधर को देखो बारिश तो बस आज नहीं रुकती है, लगभग दो तीन दिन से तो ऐसी है मौसम। तो ये देखो गाइस ये है धनास का पार्क, ये अमन कॉलोनी के पास का पार्क है, बहुत ज़बरदस्त। और वही देखो बारिश फिर से तेज़ होगी, बहुत तेज़ होगी बारिश, कितनी तेज आज बारिश। तो गाइस सब खाने लगे हैं खाना दोपहर का, और आज पुष्पा ने इतनी अच्छी जो है कुल्थ की दाल बना रखी है। आपको कुल्थ कहते हैं, हमारे गोहत कहते हैं पहाड़ी में, कुमाऊं में उत्तराखंड में हमें इसे कहते हैं गोहत की दाल, और यहाँ पे वैसे इसको कहते हैं कुल्थ की दाल। और गाइज ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, और इसकी खासियत ये है कि किसी को पथरी हो तो उसके लिए तो बेस्ट, मतलब पथरी तोड़ देती है। चलो पहले खा लेते हैं यार, फिर बाकी काम को देखो। मैं तो एडिटिंग कर रहा था, थोड़ी सी काम कर रहा था। हे गाइज तो भाई आज संडे था, बिल्कुल बारिश ने बिल्कुल ख़राब कर दिया, कहीं जा भी नहीं सके। और देखो अभी फ़िलहाल तो दृष्टि कर रही है, आटा गूंद रही है, और टाइम देखो 8:40 होने वाले हैं। और फिलहाल आज करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो चलो ये देखो फ़िलहाल तो मैं अपने चैनल को देख रहा था, क्या प्रोग्रेस हो रही है, कैसे कैसे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं लोग। थोड़ी सी डीमोटिवेशन भी होती है ना, कि जब आप लगे हों पूरा सारा दिन काम करने के बाद, फिर थोड़ा सा ब्लॉगिंग के लिए टाइम, फिर उसको एडिट करना, रात को 1:30-2 तो बज ही जाते हैं कम। फिलहाल तो कर ही सकते हैं, फिलहाल तो हिम्मत लगा ही सकते हैं ना, जब तक उम्र है। जब बुढ़े हो जाएंगे दांत टूट जाएंगे फिर कहाँ से होनी हिम्मत है ना, फिर तो हम किसी और के ब्लॉग देखा करेंगे। तो चलो नो प्रॉब्लम। और पुष्पा भी देखो देख रही है ब्लॉग, सुयश अश्वाल का भी ब्लॉग देखती है ना, और किसका देखती है, पारस ठकराल ब्लॉग, अंकिता तिवारी का भी ब्लॉग देख रही है। अच्छे ब्लॉग नहीं, अच्छा 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 वो हाँ अंकिता भंडारी तिवारी नहीं भंडारी है, हाँ अंकिता भंडारी का भी बेचारी का बहुत गलत। चलो अब क्या करें, अब नाई पाई कर ले, नाई पाई आई पाई गंगा माई। आज ठंडा हो रखा है, तबीयत भी खराब है, तो पुष्पा कह रही है नहीं नहाना, ओह माय गॉड डांट पड़ रही है।